वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। फेसबुक ते जिहड़े विद्वान बनते ने जां कमेंट करते होंगे ने वो ज़्यादातर ये कहणगे ज्ञानी बूटा सिंह कौम के खिलाफ बोलता है। अज मैं थोड़े कहण मुताबक कौम के हक में बोलूं। कौम कि है जिदे हक में बोलीए? साड़ी कौम के धड़े किन्ने ने? साड़ी कौम दियां संस्थावां किन्नियां ने? साड़ी कौम दे विच मर्यादा किन्ने प्रकार दी है? किन्नियां मर्यादावां ने? साड़ी कौम दे विच कौम नूं बेचण वाले कड़म चौधरी किन्ने ने? साड़ी कौम दे विच डिक्टेटर किन्ने ने? श्रोमणी कमेटी सिरमौर संस्था है सिख कौम दी, कि वह सिखां दे मसले उठाउंदी है? कि श्रोमणी कमेटी आरएस दे अधीन नहीं हैगी? श्रोमणी कमेटी दे बादलों का कब्जा नहीं हैगा? असी केड़ी कौम की गल करदे आ? वो केड़ी कौम है जिहड़ी कौम दे मैं विरुद्ध बोलदा? ये सवाल ने बहुत वड्डे। हुण मैं थोड़ी जिहे बेनती करनी है जिहड़े बंदे मैनू मतां दिंदे आ। सब तो पहले मैं स्पष्ट किया होया कि मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी अखौती ग्रंथ नूं ना मानदा ते ना मैनू उहदे प्रति कोई गल कहा करो। पत्थर ते लीक है, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी तो बिना असी किसी अखौती ग्रंथ नूं मानदे नहीं। ते इहते विचार करन वास्ते क्या भी ना करो। हुण इक इशू बनाया होया, कहिंदे सर वी धुंदा ते भंग पीणी जात बंता सिंह निहंग, कहिंदे बैठ के विचार करो। धुंदा कहिंदे भज रहा है ते बंता सिंह कहिंदे तैयार है विचार करन वास्ते। एक वीडियो मैं कल परसों दी देखी है, उहदे विच बंता सिंह नूं पहलां ते इह कहा गया कि उहने झूठ बोलिया, चमकौर दी गढ़ी विचों गुरु पातशाह ताड़ी मार के निकले जां नहीं निकले, ये कोई बात सी। अज मैं वीडियो देखी, उहने कह दिता, कहिंदा जी वह हिक ठोक के ताड़ी मार के गए ने कि लोग झूठ बोलते सी। इन्ने कठ दे विचों तलवार दे नाल तीरां दे नाल जंग युद्ध करदे गए ने, कहिंदे कहिंदे इत्थे हिक ठोक के गए, ये सच्चाई है। पर बंता सिंह नूं भी सवाल करदा, जिहड़े होर कौली चट जिहड़े इतिहास ते ज़्यादा विश्वास रखते ने गुरबाणी वाले पासों वह मुनकर हो जाते, उन्होंने बेनती करदा इत्थे ते गुरु पातशाह हिक ठोक के गए। असी इतिहास में जिन्ना क समझते हैं जिन्ना क गुरबाणी के तल पर मानते हैं उन्ना क सही हो भी जाता है। तो जदों नवी खां ते गनी खां दे कोलों गुरु पातशाह उचदा पीर बन के गए ने तो उत्थे सच बोलिया सी। हालांकि गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जिहड़ी राजनीति है उहदे नाल मैं सहमत हाँ, कौम दे लई कुछ भी करना पै जाए वो सिख नूं प्रवान है तो गुरु पातशाह दा हुक्म है उहदे लई। एक राजनीति स्टंट होंदा है जंग दे विच भी और समाजिक पक्ष तों भी, ये बहुत वड्डियां गल्लां ने। तो उत्थे गुरु पातशाह ने की कहा सी कि सच बोलिया सी कि नहीं मैं तो गुरु गोबिंद सिंह हाँ पर अज मैं उचदा पीर बन के चलिया। जदों पुछया सी उस वक्त की कहा सी, पलंग थले लाया तो गनी खां ते नवी खां ने वह पलंग चुकया हुआ चार आदमियों ने की कहा सी उत्थे गनी खां ते नवी खां की कहिंदे सी, कहिंदे साढ़े उचदे पीर ने रोजे रखे हुए ने इस करके जा रहे हैं, बाल पिसे खुले छड़े हुए से गुरु पातशाह ने। ये तस्वीर आम अजायब घर में आप वेखते हैं, इतिहास में भी सूरज प्रकाश ने यही लिखा हुआ है। कि ये मनोगे कि गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने उत्थे झूठ बोलिया सी कि सच बोलिया सी? कि गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह उचदे पीर सी? ये किन्ने क असी थोड़ा जा इतिहास में गंधला करांगे, किन्ना क असी अपनी कमजोरियां छुपावांगे? हालांकि वो एक बचन का राजनीतिक जा मैदाने जंग विचों बच के किमें जाना है, अपने आप नूं बचा किमें करना, यह स्टंट है। मैं इहदे नाल सहमत हाँ वो झूठ नहीं वो सच है, पर की असी सिद्ध करांगे कि उत्थे गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने यह नहीं कहा कि मैं उचदा पीर नहीं हैगा? उत्थे तो यही किया, इतिहास सूरज प्रकाश तो यही दसदा। जे चमकौर की गढ़ी विचों हिक ठोक के लंघे कि आ चलिया हिंदा पीर, तो की गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह हिंदा पीर ने?
जिहड़े बंदे कहिंदे सिख इतिहास विलक्षणता रखदा है, जां जिहड़े कहिंदे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिंदा, जिहड़े अज कुफर तोलदे ने कहिंदे हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिंदा, कि उस वक्त गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने यह कहा सी कि हिंदू दा पीर चलिया ताड़ी मार के। जे उत्थे ताड़ी मार के तुसीं दिखा रहे हो कि सीधे मत्थे गए ललकार के, फिर जदों उच्चा पीर बन के गए ने उत्थे झूठ बोलिया सी, उन्हूं किहड़े पासे लैके जावांगे। बंता सिंह वर्गे जिहड़ियां गल्लां करदे ने सूरज प्रकाश विचों करदे ने, जदों गुरबाणी दे तल ते इहनां नाल विचार होगी ना, इहनां कोले कृपानां होणगीआं, इन्हों को एके संतालियां होणगीआं, इन्हां दी जबान उदों बंद हो जाऊ, बहुत बड़े सवाल आने हैं। मैं पंज पैरां दी भी गल की हुई है पहलां, बाबा दीप सिंह दी भी गल की हुई है पहलां, जिहड़े कहिंदे सी शीस कट के तली ते रख लिया ते बाद विच लड़दे रहे। ये सब कुछ सूरज प्रकाश ग्रंथ का गप जां गंध खिला रहा होया ते असी मनना नहीं। मैं जिहड़ी बेनती कीती है ते थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल सुणियो, जिहड़ी मैं मस्ताने फिल्म की ते गदर 2 फिल्म की गल की सी, हुण उहदी मशहूरी कौन करदे आ, आ परवाने वर्गे जिहड़े कहिंदे अद्धी टिकट लगू ते गदर 2 दा कहिंदे विरोध करना है। जदों थोड़ा दीप सिद्धू शहीद जिहड़ा नकली आ, वह सनी देओल दे नाल वोटां मंगदा फिरदा सी गुरदासपुर, उदों तुसीं हक विच सी ते हुण तुसीं विरोध विच हो। सनी देओल जावे ढट्ठे खूह च, असीं की लैणा सनी देओल तों, अज मरदा कल मरे, उहदा बंगला विक चलिया, बड़ा कुछ इत्थे लोकां ने अफवाह उड़ाईआं, पर की जदों दीप सिद्धू गुरदासपुर सनी देओल की खातर वोटां मंगदा सी उदों तुसीं नाल सहमत सी उहदे, अज तुसीं विरोध करदे हो। फिर दूजी गल, जिहड़े जसड़ वर्गियां की गल करदे हो, पंजाबी ने मैनूं पता है माण है उन्हां एक्टरां ते, पर की उन्हां दा इतिहास नाल उन्हां दा कौम नाल की संबंध है, उन्हां दा भी बिजनेस है। जिहड़े कौली चट परवाने वर्गे लाए ने ना, कहिंदे अद्धी टिकट होगी सारा पंजाब सारी सिकम फिल्म देखे, उन्हां नूं कुछ ना कुछ तो बुरकी पाई होनी, अगलिया ने कहा होना मशहूरी करो, एवें थोड़ी जाके उत्थे जाके वीडियो पाई जांदे आ। जाने के एक पासे असी उहदा विरोध करदे आ जिहड़ा गदर 2 बनाउण वाला, जिहदे नाल पहलां दीप सिद्धू फिरदा रहा वोटां मंगदा रहा, फोटोआं अगलिया ने थोड़ियां जाहर करतीआं कि मोदी नाल खड़ा, अमित शाह दे नाल खड़ा, नाल सनी देओल खड़ा, तो अज तुसीं विरोध करदे हो तो उहनूं शहीद बना के ही पेश करता। ना सनी देओल दा इतिहास दे नाल कोई संबंध है ते ना तरसेम जसड़ दा कोई संबंध है, ये दोनों ही एक्टर बिजनेसमैन ने, इन्हां ने मोटी कमाई करनी है फिल्मों के विचों, कौम नाल इन्हां नूं की मतलब है, इतिहास नाल इन्हां नूं की मतलब है। पर असी जिहड़ी बेवकूफी लोगों के सामने करदे हां, लोगों नूं बेवकूफ बनाउने आ, चोला पाया होया है, उपर दी दस्तार सजाई हुई है, सिरिसा पाई हुई है, तो बस अद्धी टिकट है जी फिल्म की, तो किन्ने पैसे मिले होणगे। ये बेनती मैं तां कीती है क्योंकि गालां कढ़न वाले ने गालां कढ़नियां ने कढ़ी जाण, पर सच्चाई ये है ना सनी देओल का इतिहास नाल कोई संबंध है तो ना ही तरसेम जसड़ का कोई संबंध है, दोनों ही बिजनेसमैन ने, पर असी फुकरियां मारी जाणियां ने। ये बेनती प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।